बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हुसैन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको टॉप 3 एक्सेल की फॉर्मेटिंग की शॉर्ट कीज को सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम एक्सेल में एक फार्मूला सीखेंगे जो कि आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और एक आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपनी वैल्यूज़ को पेस्ट एज वैल्यू शो करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फार्मूला अप्लाई करेंगे रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए। तो फार्मूले को हम कहते हैं जी रैंड बिटवीन। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट की। रैंड बिटवीन का जो फार्मूला होता है ये करता क्या है, ये एक स्पेसिफिक रेंज में जो बॉटम वैल्यू होती है और जो टॉप वैल्यू होती है उन वैल्यूज़ की रेंज में रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 बॉटम वैल्यू, और अपर वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेंज जो सिलेक्ट की थी F3 से लेके F19 तक मैंने रेंज सिलेक्ट की थी। तो इस सारी की सारी रेंज में जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूला ने हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर जनरेट करवा दी हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर फार्मूलाज़ हैं तो मैं इन फार्मूलाज़ को ख़त्म करके यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ शो करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सारी की सारी रेंज को करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखना है। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल का बटन होल्ड किया तो मेरे पास यहाँ पर माउस का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा माउस को, कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखूँगा। माउस से आपने राइट क्लिक जो है आपका इसको प्रेस करके रखना है। यहाँ से डाटा को आपने ड्रैग करना है और वापस यहीं पर लाकर आपने इसको अपना अपने जो माउस का जो राइट क्लिक प्रेस किया हुआ है इसको आपने छोड़ देना है। देखिए जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें से मैं कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कॉपी हेयर एज वैल्यू ओनली पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ से फार्मूला हमारा रिमूव हो गया और यहाँ पर हमें जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट कीज की तरफ। अभी हमने फार्मूलाज को यहाँ पर यूज़ करना सीख लिया। ये फार्मूला आपको टीचिंग में इस तरह हेल्प कर सकता है कि आप को जब डिफरेंट रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करवा तो आप इस फार्मूला की हेल्प से आप रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करवा सकते हैं। और कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ भी हमने देख लिया कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट की हैं फॉर्मेटिंग की वो कौन सी हैं। मैं सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ आपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करना है। जब आप 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको प्रेस किया तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डिजिट्स हैं उनके साथ पॉइंट के बाद 2 यहाँ पर मेरे पास डेसिमल्स लग गए हैं। तो अगर मैं दोबारा यही शॉर्ट की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाकर जनरल पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की है आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से 4 जो बटन है वो प्रेस करना है। वहाँ पर डॉलर का सिंबल है तो आपकी जो वैल्यू है करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर हमारे पास करेंसी लिखा हुआ आ गया। करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन को प्रेस करते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। अभी हमने अपनी वैल्यूज़ को डेसिमल में लिखना और करेंसी में शो करवाना सीख लिया। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट की को देखेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट और 5। 5 से हमारा परसेंट का साइन है इसलिए यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज अप्लाई हो गई है। तो ये थी 3 शॉर्ट कीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों शॉर्ट कीज़ की भी समझ आई होगी और जो हमारा रैंड बिटवीन का फार्मूला है उसको यूज़ करना भी आपको आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।